जय हिंद प्यारे साथियों इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल 2022 की भर्ती के बारे में और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं आपकी एग्जामिनेशन डेट के बारे में क्योंकि काफी ज्यादा बच्चे परेशान हैं कितने समय से इसके एग्जामिनेशन कंडक्ट क्यों नहीं हो रहा है इसके लिए मैंने कल ही आप सभी के लिए एक वीडियो बनाई थी उस वीडियो में कुछ जानकारी मैंने आप सभी के साथ साझा की थी इसके बाद कुछ जो बहुत ज्यादा होशियार लोग हैं उनके उस पर तर्क आने लगने के जो इन्फॉर्मेशन दी है वो गलत है पता नहीं किस तरीके से मतलब कुछ भी अफवाह बना देते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है फिर भी बट उनका कुछ किया नहीं जा सकता कोई सॉल्यूशन नहीं है और वो उनकी मर्जी है उन्हें जो लगता है वो ठीक है लेकिन यहाँ पे मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ और पूरी चीज़ें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ और जो अंकल जी टाइप वीडियो बना रहे हैं उन अंकल जी को भी पता चल जाना चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो बिल्कुल सही होती है उसका कोई ना कोई बेस होता है ऐसा नहीं है कि केवल किसी चीज़ को देखा और बोल दिया रैंडमली जिसका मतलब भी आपको ना पता हो उस चीज़ के बारे में बोलने का मुझे नहीं लगता कोई फायदा है जिस चीज के बारे में मैं जानता ही नहीं उसके बारे में ज्ञान देने का कोई मतलब नहीं निकलता तो बच्चों को सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है देखो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि वर्तमान में जो भी भर्ती में चल रहा है वो एटलीस्ट आपको पता हो बाकी का जो होना है वो तो होगा ही बट कम से कम सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए तो सही इन्फॉर्मेशन ही आपको यहाँ पे मिलती है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेलाइकिन में प्रेस कर लेना ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे तो यहाँ पे मैंने ये पेज आप सभी को दिखाया था जिसपे ज्ञान पेला गया काफी अच्छे तरीके से तो देखे मैं यहाँ पे आप सभी देखेंगे तो ये उस भर्ती से संबंधित कुछ डेट है जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई थी इसके अलावा एक और भी पेज था अगर वो जाके देखेंगे तो उसका भी एक और अलग नोटिफिकेशन था जो कि ये वाला पेज था जब इसकी बात आई तो कुछ ज्ञानी लोगों ने बोला कि भाई इसे ओपन करके तो दिखा देते है क्या भाई ओपन करके मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मुझे इंग्लिश पढ़नी नहीं आती इसलिए मैंने इसे ओपन ही नहीं किया बट आपने ओपन कर लिया तो कम से कम इसमें एक शब्द तो पढ़ लेते शब्द का मतलब क्या होता है सिमिलर एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है कि उसके जैसा समान एडवर्टाइजमेंट जो कि जारी किया गया था बाईस चार दो हजार बाईस को और ये जो जारी हुआ था वो कौन सा था आप सभी को बता दें कि असिस्टेंट कमांडेंट जीडी के पद पर यह भर्ती निकाली गई थी सी को तो एलडीसी यानी कि जो आपका लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है डिपार्टमेंटल एग्जाम एग्जामिनेशन होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता अब अगर मैं बात करूं कि यहां पे ये असिस्टेंट कमांडेंट की बात क्यों की गई तो आप सभी को बता दें जब भी कोई केस होता है वो कोर्ट में जाता है अभी ओवरव्यू में प्रूफ दिखाऊंगा जिसे चाहिए वो प्रूफ भी मिल जाएगा तो जब भी कोई कोर्ट में केस जाता है तो उसके लिए कुछ ऐसे बेस बनाए जाते हैं कुछ ग्राउंड होते हैं जिसके बिहार पे वो केस लड़ा जाता है तो ये वही वाले ग्राउंड हैं जिसके बारे में बताया गया है कि सेम इसी तरीके का एडवर्टाइजमेंट 22 और 2022 को असिस्टेंट कमांडेंट का भी जारी हुआ था जिसके बारे में यहाँ पे बात की गई है और जिसके बिहार पे वो तर्क दी गई है लेकिन लोगों को इसका मतलब ही नहीं समझ में आएगा कि यहाँ पे सिमिलर एडवर्टाइजमेंट बोला गया है सिर्फ बोलने से मतलब अब मैं आपसे एक चीज पूछूं कि एक गधा और इंसान दोनों एक कैसे हो सकते हैं भाई एक नहीं हो सकते लेकिन कुछ इंसान गधे जरूर हो सकते हैं इस चीज का प्रूफ अभी आपको मिलेगा चलो आगे मैं बता देता हूं पहले में कुछ लोगों में बुद्धि समझता था, था कि शायद थोड़ी बहुत बुद्धि होगी लेकिन बुद्धि से तो बिल्कुल बैल है भाई चलो अब आगे देख लेते हैं ये मैटर यहीं पर खत्म करते हैं और यहाँ पे आप सभी को बता दें जो अगली डेट है वो भी आप सभी को यहाँ पे क्लियर हो जाएगी तो ये है आप सभी को बता दें काउंटर नोटिफिकेशन जो कि रेस्पोरेंट और पिटिशनर के बीच में होता है तो रेस्पोंडेंट की तरफ से ये दिया गया था जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी जहाँ पे आप पूरी इंफॉर्मेशन दे पाए देख पाएंगे कि कौन से पेज पे क्या क्या चीजें दी गई हैं जैसे कि अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल डायरेक्टर की तरफ से जारी किया गया है यहाँ पे कॉफी ऑफ रिक्रूटमेंट जो आपकी रहती है रूल दो वो आप सभी को दिया गया है इसका रिक्रूटमेंट नंबर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो देखो रिक्रूटमेंट नंबर भी यहां पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा एनेक्सर रिवाइज स्टैंडिंग जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो यहां पे बताया गया है साथ ही में यहां पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप सभी को इसका जो एनेक्सर नंबर है कॉपी ऑफ द रिप्लाई लेटर नंबर यहां पे दिया गया है यहां पे आप देखेंगे रिक्रूटमेंट बीएसएफ मिनिस्ट्री एग्जामिनेशन 21 वन जिसका नोटिस नंबर आप देखेंगे वो पूरी चीजें यहाँ पे आप सभी को बी के बारे में दी गई है यहाँ पे रिक्रूटमेंट मिनिस्ट्रियल आप देख सकते हैं स्टाफ बी एस वो सारी इंफॉर्मेशन बी से रिलेटेड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगी तो उन ज्ञानियों को मैं बता देना चाहता हूँ ये कांट, जो काउंटर नोटिफिकेशन है ये काउंटर नोटिफिकेशन जारी किया गया था और अब तक आपको अगर आप दिल्ली हाईकोर्ट की वेबसाइट पे जाकर चेक करेंगे तो आपको वहां पे कुछ भी नहीं मिलेगा कुछ भी इन इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि इसका जो ये केस है जो आपका केस चल रहा था वो अभी तक विड्रॉ नहीं हुआ जब लास्ट डेट इसमें लगी थी सत्रह तीन सत्रह तीन दो हजार तेईस जब इसमें लास्ट डेट लगी थी तो उसमें नेक्स्ट डेट दे दी गई थी और उसमें बोला गया था कि तीस मई से पहले केस को लिस्ट करना है और अब जो इसमें डेट है वो है तीस चार दो हजार तेईस यानी 30 चार 2023 को ये केस लिस्ट हुआ है तो निश्चित तौर पर हो सकता है 30 चार 2023 को ये केस विड्रॉ हो जाए और उसके बाद आपकी जो एग्जामिनेशन डेट होगी वो डिसाइड हो जाएगी और ये कोई एक पेज नहीं है मैं आप सभी को क्लियर कर देना चाहता हूँ यहाँ पे ये बहुत सारे पेजेस हैं जो अलग अलग हैं मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा लेकिन उन महानुभावों को ज्ञानियों को तो ये पेज मिलने से रहे क्योंकि वो अपने ज्ञान में ही खोए रहेंगे लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है ताकि आपके जो भी डाउट हैं वो डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाए थोड़ा सा ओपन हो जाए यार ये अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अलावा एक पेज ये रहा आपका ये भी देख सकते हो बी एस एफ से रिलेटेड है दूसरा देख सकते हो तीसरा और भी जो इन्फॉर्मेशन है बिहाफ ऑफ पिटिशनर रेस्टोरेंट के बिहा पे ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है साथ ही में यहाँ पे भी आप देख सकते हो चलो इसे थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पे आप देखोगे टोटल ई एस की जो वेकेंसी है वो ग्यारह है और टोटल आपकी हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रल की तीन सौ बारह है

झूठ बोलने में थोड़ा अंदर से गिल्ट फील नहीं होता कि बोल क्या रहे उस चीज का सेंस क्या है तो ये सारी चीजें एकदम रियल ऑथेंटिक हैं 100% आपका जो केस है वो दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है जिसकी वजह से इस पे कहीं ना कहीं आपकी जो एग्जाम डेट है उस पे इम्पैक्ट पड़ा है 30 4 2023 को यानी कि 30 अप्रैल को केस विथड्रॉ हो जाएगा और अगर नहीं होता तो मई मई में विड्रॉ हो जाएगा उसके बाद आपकी जो एग्जामिनेशन डेट होंगी वो भी डिसाइड हो जाएंगी तो तब तक थोड़ा सा पेशेंस रखो और मैं फिर आपको कह रहा हूँ जो फालतू के ज्ञानी हैं उनसे दूर रहो भाई उन्हें कुछ नहीं पता ए बी सी डी नहीं पता इस चीज़ के बारे में तो वो बोल रहे हैं उसका सेंस भी क्या है उन्हें हर चीज़ का अरे भैया इसका मतलब असिस्टेंट कमांडेंट और बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का क्या लेना देना भाई तुम्हें ही पता है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और असिस्टेंट कमांडेंट में क्या डिफरेंस होता है बाकी का दुनिया में किसी को पता ही नहीं है क्योंकि दोनों पदों का सृजन ही तुमने किया है इस धरती पर आके तो फालतू की चीज़ों में लगे रहते हैं कोई लेना एक ना देना दो बिना बात के तो चलो जो भी है वो मेन इंफॉर्मेशन आपके लिए थी जो भी चीजें हैं वो मैंने आपको क्लियर करा दी हैं कि कोर्ट में केस गया हुआ था एज रिलैक्सेशन को लेके जो कि अब तक विड्रॉ नहीं हो पाया जिसकी वजह से ये समस्याएं हुई हैं बहुत ही जल्दी विड्रॉ हो जाएगा और आपकी जो एग्जामिनेशन डेट होगी वो बहुत ही जल्दी जारी हो जाएगी तो अपनी तैयारी में लगे रहो जैसे इसकी जो डेट होगी वो आएगी और केस विड्रॉ होगा आप सभी को इसके बारे में अपडेट भी मैं दे दूंगा आगे जो भी प्रोसीजर होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सो थैंक यू फॉर वॉचिंग जय हिंद जैसे जो डेट होगी वो आएगी और केस विड्रॉ होगा आप सभी को इसके बारे में अपडेट भी मैं दे दूंगा आगे जो भी प्रोसीजर होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सो थैंक यू फॉर वॉचिंग जय हिंद जय भारत